सर हमारा विश्वास कीजिए, हमने लाठी चार्ज नहीं करवाया है, हम ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं। सर हमको लग रहा है ना ये कोई साजिश है हमारे खिलाफ, कोई चाहता है कि हम इस केस से निकल जाएं, हम आपको बता रहे हैं सर। हम सब जानते हैं करिश्मा जी, लेकिन बात हमारे हाथ से निकल चुकी है क्योंकि डिपार्टमेंट को ये लगता है कि ये केस आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। और वर्षा भाई इस केस के लिए नई नियुक्ति की जा चुकी है। का? बहुत जल्दी इस केस का चार्ज लेने के लिए नई एसआई थाने में आ रही है। जय हिंद। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैडम प्लीज संभालिए अपना आपको, लेकिन समय ना बड़ा खराब है, आपका एक गलत स्टेप ना उल्टा हम लोग पर पड़ सकता है। मैडम मैडम एक बुरी खबर है। जानते हैं हम, नया एसआई आ रही है केस संभालने के लिए। मैडम वो आ चुकी है और अंदर ही बैठी है। एक उससे भी बहुत बुरी खबर है। कहाँ? आप खुद अंदर चल के देखिए। मुसीबत। पेमेंट? अरे हमसे पेमेंट मांग रहे हो, पुलिस वाले से? लगता है आप उनको पहचानती नहीं, तभी इतना दुस्साहस कर बैठी। अगर जान लेती कि हम किस फैमिली से है, कहां तक की पहुंच है हमारी और इस डिपार्टमेंट में कितना वजन है, तब शायद आपकी हिम्मत नहीं होती हमारी जेब में यूं हाथ डालने की। भाई हम तो आपके भले के लिए बोल रहे हैं, वरना हम तो मिस्री है, पान में मिलाओगे तो शहद और मुलेठी में मिलाओगे तो जहर। आखिर जनता ने आपका मुंह काला कर ही दिया, अब ये तो होना ही था ना। आपकी हसीना मैडम जो है नहीं आपकी यहाँ सिचुएशन को संभालने के लिए, और वैसे ही इतना बड़ा थाना संभालना सबके बस की बात थोड़ी है। और वो कहते हैं ना मुसीबतें जब आती है ना तब भर भर के सब जगह से एक साथ आती है। अब आपका टाइम पहले से ही खराब चल रहा था और ऊपर से हमारी एंट्री हो गई आपके इस थाने में। बाहर पब्लिक है जो आपको चैन से बैठने नहीं देंगी, और यहाँ हम। करिश्मा सिंह जी बताइए अब क्या किया जाएगा, कैसे बचा पाएंगे आप खुद को हमसे? चलिए आपकी किस्मत से पूछते हैं कि वो आपके बारे में क्या कहती है। अरे हमको याद आया, इस बार तो हम असली वाला सिक्का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इस बार दोनों तरफ हेड नहीं है, हेड और टेल दोनों है। अगर हेड आया तो शायद कोई चमत्कार बचा पाए आपको हमसे, लेकिन अगर टेल आ गया तो अब तो कोई चमत्कार ही बचा पाएगा आपको हमसे। तो देखे अरे रे रे रे, ये तो बड़ी समस्या हो गई करिश्मा सिंह जी, तेल आ गया। अब बताइए अब कौन बचा पाएगा आपको हमसे?
तो शर्म की बात है कि आप लोगों के थाने के बाहर प्याज के बढ़े हुए दामों को लेकर धरने पर बैठे हुए प्रदर्शनकारियों के लिए आप लोगों ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया, ऊपर से एक नया पजीता कि सोते हुए प्रदर्शनकारियों पर रात में लाठी चार्ज। ऐसा मिश्री? यस सर। इस बारे में हमने आपको छानबीन करने के लिए कहा था। पूरी जांच पड़ताल की है सर, हमने पता भी लगा लिया है कि ये सब किसका किया धरा है। जोगी नाम है उस इंसान का सर, फिलहाल तो फरार है पर पुलिस से बचकर जाएगा कहां? सर एक मिनट। हाँ सर, ये आपके लिए लाए हैं हम, सोचा आप आ रहे हैं तो आपके लिए कुछ बनाकर लेते चले। इसीलिए एसआई मिश्री, हम आपका इतना कद्र करते हैं। अरे आपकी टाइमिंग बड़ी गजब की है। थैंक यू सर। वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, इसमें प्याज का तड़का तो लगाया होगा ना? बटर में लगाई है तड़का। नहीं नहीं भाई, हमें तो घी का तड़का ही पसंद है। वो भी लगा देंगी, उसी में बनाया होगा। हाँ सर, आप बैठे ना, हम प्लेट लगा देते हैं। वाह क्या बात। तो राई मिश्री और करिश्मा सिंह, आप सर, दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व करेंगे। जी सर। नहीं सर, हम ये कह रहे थे कि आप तो हम कह रहे थे करिश्मा सिंह कि ये मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है, जल्द से जल्द इस केस को दोनों जन मिलके सॉल्व करो, नहीं तो केस हाथ से निकल सकता है। भाई लाइए आप भी अपने टिफिन को, देखें आप क्या लाए हैं। हम नहीं लाए हैं कुछ टिफिन में सर। सर वो क्या है ना कि करिश्मा मैडम को ना बनाना नहीं आता। नहीं दरअसल वो पुष्पा जी क्वारंटाइन में है तो घर का काम फिर यहाँ का काम दोनों मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। देखा आपने, डिपार्टमेंट आपका कितना ख्याल रखता है, आप पर काम का ज्यादा बोझ ना पड़े इसलिए यहाँ पे एसआई मिश्री को भेज दिया है। अरे भाई आप दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व कीजिए और पता लगाइए ना कि ये प्याज के दाम इतने बढ़ क्यों रहे हैं। जी सर। कमाल की चीज हो आप, अपने काम के लिए सीधा पुलिस थाने पहुंच गई। ब्रिजेश बाबू, बदले के दो प्रकार होते हैं, एक जो सीधा मार कर लिया जाता है और दूसरा वो जो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके मार के लिया जाता है। अब देखिए, हम चाहते तो सीधा फोन करके करिश्मा सिंह का ट्रांसफर करवा देते और फिर वो सड़ रही होती किसी जंगल की छोटी सी चौकी में, पर उसमें वो मजा नहीं है ना। अब देखिए, दुश्मन को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखने में जो मजा है ना, उसकी बात ही कुछ और है। अरे इसीलिए तो हमने प्रदर्शनकारियों पर इतना लाठी चार्ज करवाया ताकि हालात थोड़े और बिगड़ जाए और हमारा ट्रांसफर आसानी से हो जाए, वरना पता नहीं हमें कब तक यूं ही स्टैंड बाय पे रहना पड़ता। जो भी हो, आपका महिला थाना ज्वाइन करने से हमारा तो फायदा ही हुआ ना। हाँ भाई फायदा तो हुआ है, पर क्या है ना ब्रिजेश बाबू, बड़े बुजुर्ग कहते हैं खुशियों की कीमत चुकाने से पहले अगर खुशियां मनाई जाए ना तो खुशियों को नजर लग जाती है। भला आपके होते हुए हमारी खुशियों को कौन नजर लगा सकता है। चलिए अब वो भी देख लेते हैं। देखिए अगर हेड आया तो हम आपके, लेकिन अगर टेल आया तो हम आपके है कौन। ठीक है। अरे रे, ये तो बैड लक हो गया, टेल आ गया। ब्रिजेश बाबू हम आपके है कौन। ये हुई ना बात ब्रिजेश बाबू, अब आप बेफिक्र होके अपनी खुशियां मनाइए, हम चलते हैं।
संतोष शर्मा, तुमको प्याज की कीमत पर रिसर्च करने को कहे थे हम। जी मैडम, रेडी है रिपोर्ट। संतोष शर्मा आइए, रिपोर्ट तो हमें भी देखनी है। क्या है, मिलकर काम करना है तो फिर जानकारी भी साझा होनी चाहिए, है ना? वरना फिर हम अपना योगदान कैसे देंगे इस केस में? और डिपार्टमेंट इतना भरोसा करके भेजे हैं हमें, तो फिर उनको डिसअपॉइंट तो नहीं कर सकते ना, है कि नहीं? मैडम, मैं आप दोनों को साथ में प्रेजेंटेशन दे देती हूँ, आप यहाँ आइए। नहीं 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 नहीं, कांस्टेबल संतोष शर्मा, कष्ट तो आप उठाएंगे, सीनियर हैं हम आपके, इसलिए आप हमारे टेबल पर आएंगी और हमें प्रेजेंटेशन देंगी। एक मिनट संतोष, सीनियर जूनियर का बात है तो ऐसा ही मिश्री पांडे, हम ऐसा जो करिश्मा सिंह सीनियर हैं आपके, तो आप आइए प्रेजेंटेशन लेने, चल संतोष। अरे अरे अरे, करिश्मा सिंह जी आप तो बुरा मान गए, हम तो बस इतना कह रहे थे कि भले ही रैंक में हम आपके जूनियर हैं, पर डिपार्टमेंट ने हमको भेजा है आपकी मदद करने के लिए। अब क्या है, डीएसपी साहब को डायरेक्टली रिपोर्ट जाता है ना, तो उनको ये कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा कि आपका इंटरेस्ट इस केस को सॉल्व करने से ज्यादा हमको जूनियर सीनियर का ज्ञान देने में है। आइए संतोष। अरे आइए, देख क्या रहे हैं, चलिए। हमारा टोपा होगा तुम। तुमको समझ में नहीं आ रहा, ये केस सॉल्व करने नहीं आई है यहाँ पे, इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, किसी और मकसद से आई है यहाँ पे, लेकिन हमको केस सॉल्व करना है और हमारे पास टाइम नहीं है, हम चलो हमारे साथ। वाह भाई, मानना पड़ेगा इंटेलिजेंट तो है, पर क्या है ना करिश्मा सिंह जी, अभी बात हो रही है संतोष शर्मा की, तो संतोष भाई तुम तय कर लो तुम्हें किसकी बात माननी है, क्योंकि डीएसपी साहब की रिपोर्ट में हो सकता है कि शायद एक नाम तुम्हारा भी हो, है ना? इसलिए भाई प्रेजेंटेशन तो होगी हमारे टेबल पर ही। प्रेजेंटेशन हमारा टेबल पर होगा संतू। हाँ? हमारा टेबल पर प्रेजेंटेशन दो अभी, फटाफट आ जाओ। ठीक है मैडम। मैडम, वैसे ना एक पर्सनल लेवल पर ऐसे ना हमारा सजेशन है कि आप दोनों लोग के लिए संतू जी प्रेजेंटेशन दे दे रही हैं, आप दोनों लोग देख लीजिए बारी बारी से, है? बहुत बढ़िया, चलो आओ संतू प्रेजेंटेशन दो। प्रेजेंटेशन पहले हम लेंगे, हमें काम से बाहर जाना है। जिसको बाहर जाना है वो इंतजार करे, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमारा टेबल पर हो रहा है। मैडम मैं क्या कह रही हूँ कि मैं यहाँ सेंटर में आप दोनों को प्रेजेंटेशन दे देती हूँ, ठीक है? चीते, बहुत बढ़िया आइडिया है। तो चीते पकड़। संतोष जी पकड़ना तो हम भी बहुत चाहते हैं, लेकिन ऐसे ऑन ड्यूटी सबके सामने कैसे हाथ पकड़ ले हम आपका। चीते लैपटॉप, लैपटॉप पकड़। सॉरी। तुम ना थोड़ा काम पे ध्यान दे लो चीते। तो अब समझिए चीता प्याज है। प्यार है? प्याज है। पक्का प्याज है? प्याज है। मैडम सर का जो कटआउट है वो समझिए देश के किसान, पुष्पा जी का जो कटआउट है वो समझिए मंडी, जो किसान से प्याज खरीदता है। मिस्री मैडम को ले लीजिए, ये है ट्रेडर यानी कि होलसेलर, जो मंडी से प्याज खरीदता है। आप करिश्मा मैडम, आप हैं रिटेलर जो होलसेलर से प्याज खरीदता है, और मान के चलिए कि मैं हूँ कस्टमर, तो ये जो प्याज है ये 20 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट में बिकता था, जो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल था, आदमी खरीदता था, आदमी खाता था। यही 20 रुपए किलो का प्याज आज मार्केट में बिक रहा है 100 रुपए किलो के हिसाब से, जो बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है और आम आदमी की सोच से कोसों दूर है। हाँ संतु यही केस है, अब पॉइंट पर आओ कि प्याज महंगे कैसे हुए। तो ये पूरी चेन ऐसे चलती है कि किसान है, किसान मंडी को प्याज बेचता है 10 रुपए किलो के हिसाब से, मंडी होलसेलर को प्याज बेचती है 60 रुपए किलो के हिसाब से, और होलसेलर रिटेलर को प्याज बेचता है 80 रुपए किलो के हिसाब से। अब रिटेलर से दुकानों में, दुकानों से कस्टमर तक प्याज पहुँचता है 100 रुपए किलो के हिसाब से। तो मतलब किसान बेचता है 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन आम जनता तक आते आते ये दुगना चुगना हो जाता है इनका रेट, मतलब जो 90 रुपया है बीज का वो लोग खा जाते हैं। जी मैडम, और ये पूरी चेन में सबसे बड़ी गड़बड़ कर रही है ये हमारी पुष्पा जी, ये यहाँ पे भी यही गड़बड़ कर रही है। देखिए प्रेजेंटेशन मैडम, वो मंडी है ना अभी। हाँ पुष्पा जी मंडी है अभी। तो इसका मतलब यही हुआ ना मैडम कि सारा जो घोटाला ये मंडी में हो रहा है, क्योंकि वहीं से 10 रुपए का प्याज 60 रुपए में बेचा जा रहा है। चीता कुछ नहीं कह सकते ना, जब तक दोषी साबित नहीं होगा हम किसी को दोषी साबित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस दोषी को हम पकड़ के जरूर आएंगे। तो मैडम आपको शुरुआत ना सुनील से करना चाहिए, थोड़ा दौड़ धूप हम भी किए हैं, पता चला है कि सुनील नाम का एक आदमी है, वो सब धंधा में काफी एक्टिव है आजकल, अगर वो पकड़ा जाए ना मैडम तो अच्छा लीड मिल सकता है हम लोग को। ये सुनील का एड्रेस क्या है? मैसेज करते हैं मैडम अभी आपको। वेरी गुड चीता, गुड जॉब। मैडम मैडम मैं मी गुड जॉब संतु, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हद से जाता। अब हम जाते हैं सुनील का कुंडली निकालने।
तब तक तुम लोग ये बिल्ला को समझाओ कि धरना से कुछ फायदा नहीं होने वाला और सच्चाई सबके सामने बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है? जी मैडम। जी मैडम। ये सुनील तो ब्रिजेश का आदमी है और अगर ये पकड़ा गया तो ब्रिजेश भी पकड़ा जाएगा। बिल्लू जी, बिल्लू जी, बिल्ले, या बिल्लू जी, ये तमाशा छोड़िए आप प्लीज। मैं कह रही हूँ ना, मैडम गई है पता लगाने के लिए कि कौन जिम्मेदार है, किसके वजह से ये गड़बड़ हो रही है, क्यों ये रेट्स इतने हाई हो गए प्याज के। मैडम गई है ना, पता चल जाएगा, कोई ना कोई सलूशन निकल जाएगा। आप ये सब क्या कर रहे हो, छोड़ो ये धरना। बिल्लू जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैंने कहा क्या फरमाया? नहीं समझ रहे हैं, हमसे फरमाइए ना। इकबाल आप पीछे आओ, आओ। हाँ तो बिल्लू जी आप ये फरमा रहे हैं कि ये धरना बंद नहीं होगा और आप बिल्कुल सही हैं। यार मैं कैसे यकीन दिलाऊ बिल्लू जी आपको। रुको बे, पकड़ लिया ना तो हड्डी पसली एक कर देंगे। मैया की सासू में किसके लिए काम करता है बता? मैडम ब्रिजेश भाई के लिए। कौन ब्रिजेश? वो मंडी का चेयरमैन है मैडम। और जब किसान प्याज बेचने के लिए आता है तो हम उसे कम पैसे में ऑफर करते हैं, मजबूरी में वो प्याज बेचकर चले जाते हैं। और फिर क्या होता है आगे बताओ। सारा माल ब्रिजेश भाई के पास स्टोर होता है, बाद में वही तय करते हैं प्याज की कीमत क्या होगी। किसी के पास माल स्टॉक में नहीं रहता, मजबूर होके क्या ब्रिजेश भाई जो दाम बोलते हैं उसी में खरीदना पड़ता है और बेचना पड़ता है। ब्रिजेश भाई की कंपनी को सनराइज ट्रेडर्स को जाता है। मैडम हम तो बोकस ट्रेडर्स हैं, जैसा वो बोलते हैं वैसा ही करते हैं मैडम। अब ब्रिजेश के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगा? हाँ मैडम देंगे गवाही। करिश्मा सिंह जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? डॉक्टर को बुलाऊं? तुम? अरे हम ठीक है। चलिए पिल्लू जी। हाँ जी। आप हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं? लवीना जी हम आपके लिए अपनी जान दे सकते हैं। बस वही चाहिए। हैं? जी हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए ना, आज आपके इतने फैंस हैं, आपकी पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ गई है, आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगे हैं। जानते हैं क्यों? क्यों? हीरो सबको चाहिए पर कोई खुद हीरो नहीं बनना चाहता, और हीरो बनने के लिए कभी कभी तो जान देनी पड़ती है, और इसके लिए हिम्मत चाहिए जो इनमें से किसी में नहीं है। मतलब प्याज के लिए मुझे जान देनी पड़ेगी, मरना पड़ेगा? लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए थोड़ा बहुत झूठ तो बोल ही सकते हैं, है ना? कैसा झूठ? यही कि 24 घंटे में अगर प्याज की कीमत नहीं कम हुई तो तो आप आत्मदाह कर लेंगे, डूबकर अपनी जान ले लेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ ये बात बोलने के लिए बोलनी है, लोगों में भ्रम फैलाना है कि अगर प्याज की कीमत पे कमी नहीं आई तो आप आत्मदाह कर लेंगे, और अगर प्याज की कीमत कम हो गई तो आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आप समझो कि आपकी सारी हीरो की स्वाहा। कोई नहीं पूछेगा आपको बिल्लू जी, फिर वही हो जाओगे बिल्लू जो पहले थे।
बिल्लू चंपत भूतपूर्व चोर। नहीं नहीं लवीना जी, कुछ कीजिए लवीना जी। इसलिए बिल्लू चंपत जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कीजिए बिल्लू जी, हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं बिल्लू चंपत आपका नेता, आज मैं ऐलान करता हूं कि 24 घंटे के अंदर प्याज के दाम कम नहीं किए तो ये बिल्लू चंपत आपका नेता यही में सबके सामने आत्महत्या करेगा। हमारा नेता कैसा हो? बिल्लू चंपत जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? बिल्लू चंपत जैसा हो। हमारा नेता बिल्लू चंपत। हमारा नेता बिल्लू चंपत। हमारा नेता बिल्लू चंपत। हमारा नेता बिल्लू चंपत। आइए आइए मैडम, बैठिए 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 मैडम बैठिए। अरे मुंह क्या देख रहा है भाई, मैडम आइए, ठंडा गरम लेके आ, जा जा जल्दी जा जल्दी आ। मैडम प्याज लेंगी? अरे प्याज तो आम आदमी के रीच में ही नहीं है ना, हमने तो सुना है कि आप प्याज की मंडी पर कब्जा करके बैठे हैं। क्या मैडम, कोई ऐसी बेपर की उड़ा रहा है और आपने मान ली? अरे धंधे में जलने वालों की कमी थोड़ी है, कुछ भी बोलते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, कोई सबूत है क्या आपके पास? अगर होता ना तो तुम यहाँ रूखी सूखी नहीं खा रहे होते, हमारे थाने में राजभोग का आनंद ले रहे होते तुम, और हम भी यहाँ शांति से बैठ के वार्तालाप नहीं कर रहे होते। हमारे थाना के लॉकअप में ऐसा प्यास की तरह तुमको छीलते कि तुम्हारे मुंह से एक कोई बात निकलती। दरोगा जी देखे तो बहुत, तुम सा ना देखा। देखे मैडम, शुक्र मनाओ तुम्हारा आदमी हमारे हाथ से निकल गया, नहीं तो तुम ना बहुत बड़ा वाला मुसीबत में आ जाते। धराने का आदत नहीं है, सवाल पूछ चुके हैं, जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मैडम हम कम नुकसान थोड़ी उठाते, 10 रुपए प्रति किलो से प्याज लेते हैं, अब सारा का सारा प्याज एक बार में थोड़ी बिकेगा, थोड़ा टाइम लगता है, अब तक वो प्याज गोडाउन में पड़े पड़े सड़ जाता है, लाखों का नुकसान होता है। अब आप ही बताइए ये नुकसान किसके खाते में जाएगा? अच्छा मतलब नुकसान तुम्हारा और भरपाई करे आम गरीब आदमी। तुम्हारा शक्ल पे लिखा है कि तुम कितना झूठ बोलते हो। अभी के अभी ना हमको बताओ कि सारा प्याज कहाँ रखे हो, अभी के अभी हमारे सामने लाके रखो। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।